भारत में निम्न वर्ग के जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ध्यान दें तो भारत में इसका विकास 1882 से ही होने लगी थी। भारत में आरक्षण के स्वरूप को विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले के द्वारा पेश किया गया था। जो रिजर्वेशन सिस्टम भारत में इस वक्त अस्तित्व में है उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा 1933 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं के द्वारा सिर्फ एससी और एसटी के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ओबीसी को 1991 में मंडल कमीशन के सिफारिश पर इंक्लूड किया गया था। मंडल कमीशन का कहना था कि ओबीसी के द्वारा भारत की लगभग 52% पॉपुलेशन कंसिस्ट की जाती है, जिनके लिए कम से कम 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होनी आवश्यक है। मंडल कमीशन के द्वारा हिंदू कम्युनिटी से तो ओबीसी को आइडेंटिफाई किया ही गया था, इसके अलावा मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट से भी ओबीसी को आइडेंटिफाई करके पेश किया गया। और इस प्रकार भारत में 1991 में ओबीसी को रिजर्वेशन प्रदान किया गया। परंतु आरक्षण की प्रक्रिया से जो कम्युनिटी वंचित रह गई थी उन्हें जनरल कैटेगरी के नाम से जाना जाने लगा। जनरल कैटेगरी के द्वारा अब आरक्षण हटाओ का नारा दिया जाने लगा, जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण और राजपूत समुदाय के लोग आते हैं। परंतु आरक्षण सपोर्टर्स का कहना है कि आप लोगों के पुरखों के द्वारा हमारे ऊपर हजारों वर्षों से शोषण किया जा रहा है, इसलिए अब हमें आरक्षण की आवश्यकता है। कुछ लोगों के द्वारा आरक्षण के विरोध में यह तर्क भी दिया जाता है कि आरक्षण को भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था, परंतु राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता के लालच में इसे अब तक जिंदा रखे हुआ है। अगर इस तर्क की वैधता की बात करें तो 1993 में सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और ड्राई लैट्रिन्स के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी और 13 संगठनों व व्यक्तियों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा आज भी प्रचलन में है। इसके अलावा रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी यह बड़े पैमाने पर प्रचलित है। इसके जवाब में न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद से सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज से गंदगी उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू किया गया। इसके अलावा हाल ही में बिहार में घटे एक घटना की चर्चा करें तो बिहार में तत्कालीन सीएम जीतन राम मांझी के मंदिर से निकलने के बाद मंदिर के मूर्तियों को धोया गया और पूरे मंदिर परिसर को साफ किया गया, जिसका कारण यह था कि जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या भारत आज उस कंडीशन में है जहाँ पर एससी और एसटी के सभी लोगों को समान समझा जाता है, और आरक्षण का अब तक बने रहना कितना उचित और अनुचित है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यह था अब तक का अपडेट। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।